सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रेसल वर्ल्ड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले WWE के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक डरावने रेसलर्स के बारे में। तो गाइज आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज नंबर 7 पे आते हैं बूगी मैन। तो गाइज बूगी मैन को आप में से काफी लोग जानते भी होंगे, हम उन्हें 2007 या 2008 के समय WWE के अंदर देखा करते थे। और अब वो WWE के अंदर नहीं आते, और पहले हम देखा करते थे कि WWE के अंदर कैसे कछुआ ये सब भी और कीड़े मकोड़े भी वो खाते भी रहते थे। और उनका जो करेक्टर तो काफ़ी डरावना भी था और काफ़ी लोग को WWE के अंदर डरा के भी रखते थे। लेकिन गाइज अब वो WWE के अंदर नहीं आते, कोई स्पेशल इवेंट होता है तब WWE उन्हें बुला लेती है। लास्ट टाइम शायद से हमने उन्हें रॉक 25 एनिवर्सरी पे WWE के अंदर देखा था, उसके बाद से हमने बूगी मैन को अभी तक WWE के अंदर नहीं देखा है। सो गाइज बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 पे आते हैं केन। सो गाइज मैं अभी केन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी केन तो अब एक मेयर बन चुका है। WWE के अंदर भी काफ़ी कम रेसलर भी क्या करते हैं, लेकिन गाइज अब तो उनका करेक्टर इतना खतरनाक भी नहीं। लेकिन गाइज हम बात करें वहीं पे 1990s में उनका जो करेक्टर तो काफ़ी डरावना और काफ़ी खतरनाक भी था, लेकिन फिर जाके उन्होंने अपना जब से अनबॉक्स किया उसके बाद से उनका करेक्टर बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता है। सो गाइज नंबर 5 पे आते हैं जैक द स्नेक। तो गाइज ये ऐसे सुपर स्टार है जो WWF के अंदर रसल किया करते थे और वो एक अपने साथ स्नैक भी लेके आया करते थे। और मुझे अभी भी याद है कि वो एक रॉयल नंबर में थे और रॉयल नंबर में सब सुपर स्टार रसल कर रहे थे और वही समय उन्होंने अपने एक स्नैक को छोड़ दिया था और सारे सुपर स्टार खुद रिंग से बाहर भी चले गए थे रॉयल नंबर के मैच में। सो गाइज नंबर 4 पे आते थे फ्रेंच एंजल। सो गाइज इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं, क्योंकि रसल किया करते थे 1930s से 1940s तक। और गाइज इनके बारे में इंटरनेट में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन गाइज ऐसा माने रिपोर्ट्स के तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक करेक्टर था इनका भी और बहुत डरावने रेसलर भी थे ये अपने टाइम के। और गाइज इनका फोटो देख के भी आप पता लगा सकते होंगे कि कितने खतरनाक रेसलर होंगे। नंबर 3 पर आते हैं द फिन ब्रेट वाइट। सो गाइज द फिन ब्रेट वाइट ने अपना फिन का करेक्टर इंट्रोड्यूस किया था WWE में 2019 में। और गाइज इनका जो करेक्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, कहेंगे हम इस जनरेशन के सबसे ज़्यादा खतरनाक सुपरस्टार भी है। और फिन को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है, WWE जिस हिसाब से फिन को बुक भी करती है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भी रहता है। और फिन भी अब WWE की हिस्ट्री के सबसे खतरनाक रेसलर में से भी एक है। गाइज नंबर 2 की बात करें तो वहाँ पर आते हैं हमारे द डेड मैन अंडरटेकर। सो गाइज द डेड मैन अंडरटेकर तो WWE के अंदर एक बहुत ही अच्छा रेसलर रही थे, काफ़ी अच्छा उनका रिंग परफॉर्मेंस रही था, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक रेसलर भी थे और काफ़ी डरावने रेसलर भी थे। और उन्होंने काफ़ी सारी डरावनी चीज़ें भी की है WWE के अंदर और काफ़ी सुपरस्टार अंडरटेकर से डरा भी करते थे। और बात करें हम 1990s के समय के तो अंडरटेकर का करेक्टर ही कुछ और था, उन्हें सब लोग सच में सोचते थे कि वो डेड मैन है और मर के जिंदा भी आ चुके हैं। सो गाइज हम बढ़ते हैं फाइनली नंबर 1 की तरफ। तो गाइज नंबर 1 पे आते हैं पापा सेंगांगनो। तो गाइज ये बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था पापा सेंगांगनो का, और ये WWF में रेसल किया करते थे। और गाइज ये काला जादू ये सब भी किया करते थे WWF के अंदर, और ये देखना काफ़ी डरावना भी तो होता था। और जो WWF के ऑडियंस रहते थे उसमें जो बच्चे लोग रहते थे इन्हें देखकर काफ़ी डर भी जाते थे। और ये WWE के अंदर भी एक बहुत ही खतरनाक रेसलर रह चुके हैं। सो गाइज यही थी आज की वीडियो सुना, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। थैंक यू।